अब कोडी रोड्स ने स्टोरी तो फिनिश कर दिया, पर यहाँ पर दिक्कत जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और वो ये कि WWE जो है वो यहाँ पर बहुत खराब बुकिंग दे रही है कोडी रोड्स को। अब देखो, कोडी रोड्स की चैंपियनशिप रेन ऑलरेडी जो है वो बोरिंग साउंड करने लग गई, और ऐसा नहीं है कि ये कोई सरप्राइज है लोगों के लिए, क्योंकि इस बारे में लोग काफी समय से बात कर ही रहे थे कि जब कोडी रोड्स अपनी स्टोरी फिनिश कर देगा तो उस वक्त क्या वो बोरिंग हो जाएगा, क्या ये चैंपियनशिप जो है वो बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि कोडी रोड्स तो स्टोरी फिनिश कर जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा। तो बहुत जरूरी था WWE का कि उनकी बाद की स्टोरी लाइन पे भी वो ध्यान दे पहले ही, मतलब स्टोरी फिनिश करने से पहले ही WWE को कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन पहले ही प्लान करनी चाहिए थी कि भाई वो क्या करेगा चैंपियनशिप जीतने के बाद, किस तरीके से वो अपनी चैंपियनशिप को होल्ड करेगा, कैसी उसकी चैंपियनशिप रेन रहेगी। स्ट्रेट अवे WWE को एक बैंगर के साथ जो है वो उनकी स्टोरी लाइन स्टार्ट करनी चाहिए थी, बट WWE क्या करती है कि इतनी खराब बुकिंग उनको दे रही है। मतलब पिछले दो वीक हमने देख लिए हैं, और दोनों वीक इवन आप स्मैकडाउन को भी इंक्लूड करो तो तीन वीक जो तीन शोज हमने देखे हैं सेम चीज जो है वो कोडी रोड्स ने करी है। आए हैं, प्रोमो दिया है, थैंक यू किया और खत्म हो चुका है। इस वीक रॉ में भी हमने सेम चीज देखी है, क्योंकि भाई देखो पहले वीक आपने रॉ स्मैकडाउन में दिखा दिया ठीक है, बट इस वीक आपको रॉ में ये चीज बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने थैंक यू बुलवा लिया है कोडी रोड्स से, वो ब्लड लाइन वाली बातें हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी आपने एक हिस्टोरिकल रेन एंड किया है रोमन रेंज का, तो अब इतना हिस्टोरिकल टाइटल रेन के बाद जब आप ट्रांजिशन करते हो एक नई चैंपियनशिप रेन की तरफ, तो वहां पर आपको यार बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो बुकिंग दिखानी पड़ती है, बहुत ही तगड़ी कोई स्टोरी लाइन लेकर आनी पड़ती है, तभी मजा आता है, अदरवाइज फैंस जो है वो एकदम से इंटरेस्ट खो देते हैं। और यहाँ पर तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन छोड़ो, यहाँ स्टोरी लाइन है ही नहीं कोई। जितना रोमन रेंज की चैंपियनशिप रेन पर आपने मतलब फोकस किया था या क्रिएटिविटी दिखाई थी या फिर जितनी इंपॉर्टेंस वहां पर फील कराई थी, यहाँ पर आप 1% भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप रेन में, तो भाई ये तो बुरी होनी ही थी। ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टोरी लाइन दी हुई है कोडी रोड्स को तो वो बोरिंग लग रही है, कोई स्टोरी लाइन है ही नहीं भाई अभी तक। मतलब ऐसा लग रहा है WWE को देखकर उनके पास कोडी रोड्स के लिए कोई प्लान ही नहीं है, मतलब चैंपियनशिप जिताती बस खत्म, उसके बाद वो थैंक यू करे जा रहा है पिछले तीन शो से, तो ये बहुत बुरी चीज है। उनको कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर भाई कोडी रोड्स को, आप जो है वो बहुत सारी चीजें करवा सकते हो, मतलब वो आकर अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आप ओपन चैलेंज करवा सकते हो भाई, एक फाइटिंग चैंपियन दिखा सकते हो कि देखो भाई मैं तो फाइटिंग चैंपियन हूँ, रोमन तो चैंपियन डिफेंड नहीं करता था अपनी और मैं यहाँ पर चैंपियनशिप डिफेंड कर रहा हूँ, तो मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ। ये एटलीस्ट आप दिखाते, कोई बड़ा तगड़ा मैच दिखाते किसी के साथ, चलो मैच में अगर रेसल नहीं कराने तो कोई ओपन एंड उनका स्ट्रेट अवे लेकर आना चाहिए था जो उनकी चैंपियनशिप के लिए यू नो जा रहा होता और उनको अटैक करता, ये वो सो करता, और अच्छा खासा ओपन एंड, ऐसा नहीं छोटा मोटा कोई शिंसुके नाकामुरा या कोई और तगड़ा कोई बड़ा ओपन एंड लेकर आते, तो भाई वो फील होता कि हाँ कुछ है यू नो, किसी की रिटर्न करा सकते थे। शीमस अभी अभी रिटर्न करें, आप शीमस को दे देते यार, शीमस अटैक करता मतलब कोडी रोड्स के ऊपर या फिर यू नो इनका मैच करवा देते, तो लगता कि चलो यार कुछ तो है एटलीस्ट। तो बहुत ही बोरिंग यहाँ पर साउंड हो रहा है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर कोडी रोड्स के लिए WWE के पास, और ये जो टाइटल रेन है ये काफी बोरिंग अब जो है वो लग रही है। मैं तो बोलूंगा अभी समय निकला नहीं है, अभी भी है उनके पास समय कि यू नो वापस आए एक बड़ी स्टोरी लाइन लेकर, तगड़ी स्टोरी लाइन लेकर। और जिस वीक आपके पास कोडी रोड्स के लिए प्लान नहीं है तो भाई मत लेकर आओ उसको, शोज पर मत लाओ ना, मतलब एब्सेंस कर दो यार, आपने ये चीज करी है पहले भी चैंपियंस के साथ, तो अगर एक आधा शो कोडी रोड्स नहीं आएगा वो इससे तो बेटर है कि जो ये चीज वो कर रहे हैं आकर अपना प्रोमो कट कर रहे हैं जिसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है जिस प्रोमो में, तो ये चीज बहुत खराब है। और अगर आपको अब उनको यू नो स्टोरी लाइन को देनी पड़ेगी तो आपको फिर तगड़ी स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी, या तो आप स्ट्रेट अवे ओपन चैलेंज वगैरह वर्क करवाते तो वो भी ठीक लगता, बट अब क्योंकि आपने दो तीन वीक निकाल दिए, अब उनको हेट मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, लोग बात कर रहे हैं उनके चैंपियनशिप रेन के बारे में, तो अब आप कोई सस्ती वाली स्टोरी लाइन नहीं लेकर आ सकते, अब आपको लेकर आनी पड़ेगी कोई तगड़ी बैंगर ऑफ अ स्टोरी लाइन, तो वो चाहिए होगा। अब लेट्स सी WWE क्या करने वाली है, क्योंकि अब लेट कर दी है, तो जितना आप लेट करोगे इस स्टोरी लाइन को स्टार्ट करने में उनकी, उतना आपको ज्यादा वो तगड़ी स्टोरी लाइन लानी पड़ेगी। दूसरी तरफ रोमन रेंस हारा, ब्लड लाइन हारी, तो ब्लड लाइन को आपने स्ट्रेट अवे एक स्टोरी लाइन दी थी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेट अवे लोग जो है वो उसके बारे में बात करने लगे, प्रेस करने लगे कि वाओ यार क्या स्टोरी लाइन है। इधर जो चैंपियन बना है उसको आप स्टोरी लाइन ही नहीं दे रहे हो कोई, तो ट्रिपल एच को जैसे कि मैं प्रेस करता ही हूँ जब भी वो कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे वो रेसलमेनिया 40 का पूरी यू नो बिल्डअप हो, जो भी चीजें हो, तो अगर हम उनको उनके अच्छे काम के लिए प्रेस करते हैं तो भाई उनके बुरे काम के लिए भी फिर हमको क्रिटिसाइज तो उनको डेफिनेटली करना होगा, और ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है जो ट्रिपल एच कर रहे हैं। आई होप कि इस चीज को वो इम्प्रूव करें, कुछ बेटर करें कोडी रोड्स के साथ, कोई अच्छी कुछ हटके कुछ यूनिक स्टोरी लाइन लेकर आए कोडी रोड्स के लिए जो लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। और अब क्योंकि आपने लेट कर दिया है, दो तीन शोज निकाल दिए, तो अब आप वो हल्की फुल्की स्टोरी लाइन नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि यू नो ओपन चैलेंज कर सकते थे, कोई अटैक कर सकता था, ये चीजें आप तब करते जब आप स्ट्रेट अवे यू नो और अगले शो से ही आप ये चीज करनी स्टार्ट कर देते रेसलमेनिया की, आपने वो चीज तब नहीं करी तो अब तो हेट मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब आप वो चीज नहीं कर सकते, अब आपको कोई तगड़ी स्टोरी लाइन लेकर आनी पड़ेगी, ये साधारण नॉर्मल स्टोरी लाइन अब नहीं ला सकते आप, ये तब ला सकते थे। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से ट्रिपल एच जो है वो ध्यान देते हैं इन पूरी चीजों के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि आई नो कि ट्रिपल एच जो है वो ध्यान देते हैं सोशल मीडिया में क्या बातें चल रही है, किस सुपरस्टार को कैसा रिएक्शन मिल रहा है, क्या बातें हो रही है, क्या चीज पसंद की जा रही है, क्या क्रिटिसाइज की जा रही है, किस चीज को फैंस ना पसंद कर रहे हैं, किस चीज को हेट कर रहे हैं, किस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको पूरा होता है वो ध्यान वो रखते हैं सोशल मीडिया पर। तो आई होप कि इस चीज को भी वो देखें।
देखें, ध्यान दें और इस चीज को वो चेंज करें जल्द से जल्द, इससे पहले कि कोड़ी रोड से लोग जो है वो उप जाए या फिर बोर हो जाए। इस चीज को जो है वो ट्रिपलेट चेंज करें। आई होप अभी उनको प्यार मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, क्राउड भी रिएक्शन वगैरह सब दे रही है, और अभी सिर्फ ये सोशल मीडिया तक ही है। इससे पहले कि ये शोज पर आनी स्टार्ट हो जाए हेट, आपको उनके लिए स्टोरी लाइन लेकर आनी पड़ेगी। बाकी यही सब था मेरा ओपिनियन इस टॉपिक पर। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हो गाइस। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।